और छत्तीसगढ़ में फिर हिंदू धर्म में लौटेंगे 251 परिवार। धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के दौरान घर वापसी करेंगे ये लोग। 251 परिवार के 1000 लोग हिंदू धर्म में करेंगे प्रवेश। प्रबल प्रताप सिंह जुदेव करवा रहे हैं घर वापसी कार्यक्रम। भगवा गमछा पहनाकर हिंदू धर्म में वापसी करवाई जाएगी। प्रबल प्रताप जुदेव सभी धर्मांतरित लोगों के पैर धोकर हिंदू धर्म में वापसी कराएंगे। तो 251 परिवार के 1000 लोग जो घर वापसी करेंगे, प्रबल प्रताप सिंह जुदेव करवा रहे हैं इन लोगों की घर वापसी। कोटा आज धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का आखिरी दिन है। छत्तीसगढ़ में फिर हिंदू धर्म में लौटेंगे 251 परिवार। और ज्यादा जानकारी के साथ नितिन नामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। नितिन, कहीं ना कहीं इस कार्य को खूब सराहाया भी जा रहा है, कब से इसकी शुरुआत हो जाएगी, अभी क्या तस्वीर है वहां पर, किस तरह का उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है? देखें, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के हिसाब से बहुत बड़ी खबर है आज, क्योंकि 1000 के परिवार के जो सदस्य हैं, लगभग 1000 व्यक्ति, वो किसी और धर्म में चले गए थे। उनका आज चूंकि बागेश्वर धाम की कथा आयोजित है, जिसमें प्रबल प्रताप सिंह जुदेव हैं, उनके नेतृत्व में आज लगभग 1000 लोगों का जो है हिंदू धर्म में वापसी कराई जाएगी। उसकी पूरी प्रक्रिया किस तरह से है और किस प्रकार से हवन किया जा रहा है, किस प्रकार से उनकी घर वापसी कराई जाएगी, उन तमाम तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि लगातार एक हवन चल रहा है। हवन में जो तमाम जो लोग हैं वो किसी और धर्म में परिवर्तन हो गए थे, उनका आज कहीं ना कहीं धर्म वापसी कराई जा रही है। प्रक्रिया के तहत ये किया जा रहा है कि तमाम लोगों को जो है एक यज्ञ कराया जा रहा है। यज्ञ के माध्यम से और तमाम जो पंडित हैं वो यज्ञ पढ़ रहे हैं और यज्ञ कराया जा रहा है। यज्ञ के बाद कुछ ही देर बाद बागेश्वर धाम के जो प्रसिद्ध पंडित हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो भगवा झंडा पहनाएंगे। इसके साथ ही प्रबल प्रताप जुदेव, वो उनको भगवा झंडा पहनाएंगे और हिंदू धर्म में प्रवेश कराते हुए नजर आएंगे। फिलहाल जो आप तस्वीर देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या है, वो जो धर्म परिवर्तन जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं दूसरे धर्म में चले गए थे, उनकी एक बड़ी संख्या आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और कुछ ही देर के बाद बागेश्वर धाम के जो कथा के जो मुख्य कथावाचक है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इसके साथ ही प्रबल प्रताप जुदेव हैं, उनके सानिध्य में तमाम लोग जो हिंदी धर्म में प्रवेश करते हुए नजर आने वाले हैं। कुछ ही देर बाद उनको भगवा झंडा फहलाया जाएगा। प्रदेश के अलग अलग जगह से, चाहे धर्मजयगढ़ की बात की जाए, लैलूंगा से बात की जाए, जशपुर से बात की जाए, प्रदेश के अलग अलग जगहों से तमाम जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और उनके घर वापसी की प्रक्रिया कहीं ना कहीं जारी। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग तस्वीरों में दिख रहे हैं वो सीधे तौर पर अलग अलग जगह से आए हैं और लगातार उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। जो धर्म में वापसी कराते हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, किस तरह से जो लोग हैं उनसे जानेंगे किस तरह की प्रक्रिया है, क्योंकि बड़ी संख्या है और हिंदू धर्म में घर वापसी कराई जा रही है। हिंदू हृदय सम्राट हमारे परम आदरणीय कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी के स्वप्न को, जो अधूरा रह गया था, उसे पूरा करने का बीड़ा उनके पुत्र माननीय प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने उठाया है और आज उसी क्रम में बागेश्वर धाम के परम पूज्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के सानिध्य में कुमार प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी द्वारा 1000 से अधिक लोगों का वापस पुनः हिंदू धर्म में घर वापसी कराया जा रहा है। कहाँ कहाँ के लोग हैं और किस किस धर्म में थे, चूंकि एक बड़ी संख्या 1000 संख्या, और अभी कुछ देर बाद वो लोग हवन भी कर रहे हैं और कुछ ही देर में बागेश्वर धाम आएंगे, प्रबल प्रताप जुदेव आएंगे, उनको भगवा झंडा कराते हुए प्रवेश भी कराएंगे, किस तरह की प्रक्रिया होने वाली है पूरी? अभी तो पंडित जी अपना कार्य कर रहे हैं और चर्च के माध्यम से, पादरियों के माध्यम से बहला फुसला करके हमारे हिंदू आदिवासी भाई बहनों को, फिर साहू समाज के कुछ लोगों को छत्तीसगढ़ के विभिन्न जगहों से, चाहे राजिम आप धमतरी ले लीजिए, महासमुंद ले लीजिए, मुंगेली ले लीजिए, हमारा जशपुर क्षेत्र ले लीजिए, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है छत्तीसगढ़ का जहां इन चंगई और चर्च वालों ने धर्मांतरण का कार्य नहीं कराया था, उन्हीं लोगों को यहां लिया जा रहा है। एक बड़ी प्रक्रिया है राजधानी रायपुर का, ये बागेश्वर धाम की कथा चूंकि राजधानी रायपुर में आयोजित, आज कथा का आखिरी दिन है और सीधे तौर पर जो तस्वीर है, जो इतनी बड़ी आप तस्वीर देख रहे हैं जिसमें हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इनको जो है हिंदू धर्म में घर वापसी की पूरी प्रक्रिया चल रही है और जो इनको जो है सबसे पहले यहाँ पर पहुंचाया गया और इसके साथ ही भगवा कलर के जो तमाम जो कपड़े पहने हुए जो लोग दिख रहे हैं, जो भगवा कलर के पकड़े हैं, चाहे कपड़े, चाहे महिलाएं हैं, पुरुष हो, युवा हो, तमाम वर्ग के लोगों को जो है यहाँ पर लाया गया है
इसके बाद ही प्रबल प्रताप जुदेव बताया जा रहा है कि पीतल के जो बर्तन है उसमें उनका पांव धोएंगे। इसके बाद उनको बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है उनके पास भेजा जाएगा। इसके साथ ही हिंदू धर्म में उनको जो है वापस लाएगा। तो देखिए प्रक्रिया के तहत पूरा काम किया जा रहा है। सभी को भगवा झंडा भगवा कपड़ा पहनाया गया है, भगवा झंडा पहनाया गया है। तो देखिए पूरे प्रक्रिया जारी है, लगातार 1000 की संख्या बताई जा रही है। भी देख पा रहे हैं भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं नितिन, लेकिन आपसे जानने का ये भी प्रयास करेंगे क्या स्थिति परिस्थिति रही थी कि जब वो दूसरे धर्म में परिवर्तित हुए थे, लेकिन अब किस तरह की खुशी महसूस कर रहे हैं घर वापसी के दौरान। देखिए निश्चित तौर पर फिलहाल अभी इनसे बात करने के लिए यहाँ के जो अनुयायी है उन्होंने मना किया है, फिलहाल उनसे ही बात करेंगे जो इनके संपर्क में आए थे और जो लोग यहाँ पर उनको हिंदू धर्म में वापसी कराने आए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ ऐसी स्थिति थी। अच्छा क्या लगता है क्या स्थिति इनकी थी कि इन्हें दूसरे धर्म में जाना पड़ा, क्योंकि लगातार एक बड़ी संख्या है और दूसरे धर्म में जाने का उद्देश्य क्या था, अब चूंकि हिंदू धर्म में वापस आ रहे हैं क्या उद्देश्य हो सकता है। सबकी अपनी समस्याएं होती हैं, उन्हीं समस्याओं का लाभ लेकर के जो विधर्मी चंगई हैं, चर्च के लोग हैं, पादरी हैं, इनको बहला फुसला करके रुपए पैसे का लालच दे करके, स्वास्थ्य शिक्षा का लालच दे करके क्रिश्चियन में धर्म में लेकर चले जाते हैं। संपर्क में कैसे आए आप लोग प्रबल प्रताप जुदेव जी, चूंकि इनका सानिध्य करेंगे उनके नेतृत्व में आ रहे हैं, उनके नेतृत्व में ये लोग कैसे आए? चूंकि मैंने जैसा बताया कुमार दिलीप सिंह जुदेव पूर्व से ही इस कार्य को करते आ रहे हैं और जुदेव परिवार का एक अलग ही पहचान है इस क्षेत्र में। लोग भले धर्म से चले गए लेकिन इनका साथ कभी नहीं छोड़ा और जब उन्हें महसूस हुआ कि हमें वापस धर्म में जाना चाहिए तो गंभीर परिस्थिति स्थिति रही होंगी जो मजबूरन उन्हें अपने धर्म को परिवर्तित करना पड़ा और अब जाकर ये बड़ी खुशखबरी है कि एक बार फिर से घर वापसी करेंगे वो लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन।